गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग बच्चों सो so गाइस आपकी क्लास लाइव हो चुकी है फटाफट क्लास को ज्वाइन करें टुडे वी डू हैव सेशन 35 ऑफ द डेली वोकैबुलरी आई वेलकम हियर रवीन रीना एंड एवरीवन सो गाइस फटाफट ज्वाइन करें सेशन आपका शुरू होने वाला है बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि द डेट फॉर द डीएसएस बी टी जी टी एग्जाम हैज बिन लाइक देयर फॉर यू है ना इट हैज बिन अनाउंसड एंड इट वुड बी ऑन थर्टींथ एंड फोर्टीन सेप्टेंबर सो बच्चों वन एंड हाफ मंथ इज रिमेनिंग बेस्ट वर्क करें अपना और जितने बच्चे भी हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे सेशन किए हैं वो अपने आप को कॉन्फिडेंट में कॉन्फिडेंट uh, बना के रखें बी कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग्स यू हैव डन है ना पॉजिटिव अप्रोच को अपने साथ में रखें तो चलिए बच्चों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अपनी एक बढ़िया सी कोटेशन से और आज की कोटेशन है हमारी जी रीना दिव्या सबिया दीपा वेरी गुड बच्चों गुड मॉर्निंग रीना देखो कितना बढ़िया है इसी चीज को मैं आपसे कहता था हर बार और ये आज सामने है कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट है ना आप डेली अगर थोड़ा थोड़ा सा भी वर्क कर रहे हो तो बच्चों कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन देखो डिलेड परफेक्शन का मीन्स क्या है कि हम हमेशा सोचते हैं कि कल मैं ज्यादा बेहतर करूंगा टनाटन वर्क करूंगा कैसा वर्क करूंगा टनाटन लेकिन बच्चों ये टना टनाटन होने के लिए हम डिलेड हो जाते हैं तो इससे बढ़िया है कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहे आप छोटा सा भी करें परफेक्शन को छोड़ दें छोटे छोटे इंप्रूवमेंट को बनाते रहें परफेक्शन अपने आप आ जाएगा ना कि हम डिलेड परफेक्शन को करें करेक्ट एवरीवन वन जी नीलम गुड इवनिंग ज्योति मोहित वेरी गुड इवनिंग बच्चों गुड uh, मॉर्निंग तो बच्चे देखिए ट्राई एंड लर्न में कल आपका जो वर्क था एक्टिविटी टाइम में इट वॉज विल ऑफ दिप्स विल ऑफ तो बच्चों कुछ बच्चों ने जवाब दिया था इसका और हमें बताया भी था तो आज हम इसको लेते हैं अगर इस वर्ड का मीन्स देखें देखें यहां पे हमारे पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर वन टू एक्ट इन अ चाइल्ड वे टू एक्ट इन अ फुलिस वे या एनीथिंग विच इल्यूड्स और डिसीव्स है ना? या फिर टू हैव डिजायर तो बच्चों इसमें से क्या मीन्स बनेगा इसका जी गुड मॉर्निंग साक्षी वेरी गुड मॉर्निंग गुड अच्छा लग रहा है सभी बच्चे फिट तरीके से पहुंच रहे हैं बढ़िया तरीके से पहुंच रहे हैं तो बच्चों बताइए क्या आंसर होना चाहिए वॉट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू डी ओके ठीक है चलिए ठीक है मैं आपको बता देता हूं बच्चों विल द विस्प विल ओ द विस्प का होता है एनीथिंग विच इल्यूड्स और डिस जो हमें धोखा देता है मतलब कुछ भी जो हमें इल्यूड करता है या धोखा देता है है ना भ्रम में डालता है या बच्चों धोखा देता है वो क्या कहलाता है विल द दिस्ट करेक्ट एवरी वन तो विल ओ द विस्प का मीन्स बच्चों किससे बनाएंगे सी यानी जी साक्षी ज्योति करेक्ट बात है एनीथिंग विच इल्यूड्स और डिसीव्स कुछ भी हमें धोखा देने वाला अगला बच्चों देखते हैं टू बाइट दीन्स क्या हुआ धूल चाटना। आपने में धूल चाटी थी टू तो बच्चों धूल चाटना तो देखो टू बी डिफीटेड इन द बैटल टू लर्न लेसन टू बीम डोप या टू वर्क वेरी हार्ड बताइए क्या बनेगा जी रीना बिल्कुल ठीक है साक्षी रीना नीलम देवेंद्र बहुत अच्छे इसका आंसर जाएगा बच्चों टू बी डिफीटेड इन द बैटल बैटल युद्ध में हारना यानी टू बाइट द डस्ट या धूल चाटने का मीन होता है, हार जाना, हारना. तो ये हारने से related है इस तरह से आप इसको बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं टू गेट इंटू हॉट वॉटर्स टू गेट इन टू हॉट वॉटर्स मैंने आपको कई बार बताया भाई यहाँ पे पानी देखो ये गर्म है पूरा पानी गर्म है आप इसमें आ गए और खड़े हो गए है ना तो अगर आप गर्म पानी में खड़े होंगे तो क्या होगा आप फिनेशियल लॉस करेंगे इम्पेश होंगे ट्रबल में पड़ जाएंगे या अननेसेसरी जॉब करेंगे बताइए बच्चों क्या बिल्कुल सही है रीना सबिया सीमा में। बिल्कुल सही है बच्चों इट इज सी टू गेट इन टू ट्रबल्स मुश्किल में पड़ना तो गेट इं टू हॉट वाटर्स का मीन्स होता है मुश्किल में पड़ना तो आप फटाक से इसमें से क्या करते हैं बाहर निकल जाते हैं मुश्किल से बाहर निकलते हैं ना या पूरी कोशिश करते हैं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पैर जलाते रहते हैं और कहते हैं हाथ भी जलाऊंगा आज इसमें और अंदर करूंगा हाथों को नहीं आप इससे निकल जाते हैं टू गेट इन टू हॉट वाटर की मीन से टू गेट इन टू ट्रबल अगला देखो टू कूल वंस हील्स अपनी हील्स को कूल cool करना इसका मीन्स क्या हुआ इसका मीन्स सीधा सा बच्चों क्या हुआ कि आप अपनी हील्स को कूल cool कर रहे हैं जो हील्स हैं तो इसका मतलब आप खड़े हुए हैं वहीं पे बैठ गए हैं इसका मतलब क्या हुआ टू तो रेस्ट फॉर सम टाइम टू रिमेन अ कंफर्टेबल पोजिशन टू तो गिव नो इंपोर्टेंस बल्कि इसका मीन्स है ए टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समाइम कुछ देर के लिए वेट करना तो अपने आप को रेस्ट देना और वेट करना इसी को कहते हैं टू कूल वंस हील्स तो अपनी हील्स को बच्चों कैसे आप कूल करते हैं थोड़ी देर के लिए वेट करके समझ में आ गई सब बच्चों को बात तो आंसर बच्चों ए जाएगा एग्जैक्टली exactly. जी पिंकी रीना सबिया साक्षी बिल्कुल ठीक है अब देखो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है प्रोज एंड कॉन्स अब आप, आप कुछ भी करने चलते हैं कोई प्लानिंग करते हैं तो आपसे कहता है इसके प्रोज एंड कॉन्स तो देख लो है ना इसका मतलब क्या हुआ बच्चों गुड एंड विल देखना है फॉरम एंड लेटर देखना है फाउल एंड फेयर या बच्चों फोर एंड अगेंस्ट द थिंग बताइए जी गुड मॉर्निंग एस एस गुड मॉर्निंग ए आंसर कह रहे हैं गुड एंड विल ओके ठीक है हा मोहित डी कह रहे हैं ओके 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 देखो बच्चों प्रोज एंड कॉन्स प्रोज एंड कॉन्स का बेसिकली मीन्स किससे जाता है फोर एंड अगेंस्ट थिंग्स है डूज एंड डॉन्स डॉस तो इसका मतलब होता क्या नहीं करना है और क्या करना है यानी कि फोर वाली वो चीजें जो इसके फेवर में है और का जो अपोजिशन में है अपोजिट में है तो बच्चों आंसर इसका हमारा डी बनेगा पक्का बना लो प्रोज एंड कॉन्स एक जैसे दिखते हैं गुड एंड डिविल भी लगता है फोरमंड लेटर फाउल एंड फेयर भी लेकिन इसका है फोर एंड अगेंस्ट द थिंग यानी कि जो उसके फेवर में हो और जो उसके अगेंस्ट में हो इसी को हम नाम क्या देते हैं प्रोज एंड कॉन्स का करेक्ट बच्चों जी रविन बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छे बच्चों हाँ, सब कोई बात नहीं बस इसको बच्चों पक्का करना है एग्जाम पास में है अब ये समझ के चलो कि अगले जितने सेशन में ध्यान से आप देख लें इसमें भी देख लेंगे तो ये समझ लो आपकी वोकेबलरी का 80 परसेंट आप कवर कर लेंगे 80 परसेंट मैं कह रहा हूं देखो कितना होता है और पीछे वाली अगर कर लेंगे तो हंड्रेड हो जाएगा है ना मैं बहुत चूज करके आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं ये चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है अगला देखेंगे अबोव बोर्ड बोर्ड से ऊपर होना बताओ बोर्ड से ऊपर कब होता है पर्सन भाई देखो ये पूरा बोर्ड है इसमें कई सारे लोग हैं एक दो तीन चार पांच पूरा बोर्ड बना हुआ है इस बोर्ड से भी आप ऊपर निकल गए और आप यहां पे स्टैंड कर रहे हैं तो कब स्टैंड करेंगे इतनी ऊंचाई पे फ्रेंडली बन के, एबल टू तो डिफिकल्टीज ओनेस्टली से या हार्ड वर्किंग से बताइए बच्चों हाँ जी ये बच्चों आप ओनेस्टी से करेंगे जब आप ओनेस्ट होते ईमानदार होते हो तभी आप वो बोर्ड होते हो यानी कि ये समझ लो पूरा बोर्ड ये कह रहा है पूरा बोर्ड कह रहा है कि नहीं बच्चों से ब्राइब लेंगे लेकिन ये पर्सन कह रहा है के नहीं बच्चों से ब्राइब लेंगे से ब्राइब लेंग क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया है, उन्होंने किया है तो हम उनको सेलेक्ट कर समझ तो करते हैं इसको तो इसका मीन बोर्ड का क्या बनेगा ऑनेस्टली राइट बच्चों जी पिंकी प्रीति गुड मॉर्निंग अब बच्चों मीन क्या बनता है बताइए डू यू मीन बाई एडोक कहते हैं ना वो एडोक जॉब पे है वो एडोक जॉब पे है तो ऐसी कौन सी जॉब होती है फॉर द स्पेशल पर्पज पर्प अरेस्टमेटिकली अरेज इन ऑर्डर या बच्चों हार्ड वर्किंग हार्डवर्किंग जी एडहोक या तदर्थ भी कहते हैं आप ध्यान से देख सकते हैं आप हार्ड वर्किंग अरेंज इन ऑर्डर अरेंज सिस्टमैटिकली या फिर ए एडहोक हाँ जी बिल्कुल सही है मोहित नीलम रीना ये बच्चों फॉर द स्पेशल पर्पज जाता है जिसे तदर्थ भी कहते हैं हिंदी में आपने सुना होगा तदर्थ यानी काम चलाने के लिए एक तरह से हम रखते हैं उनको एडो कहते हैं डन हो गया बच्चों बिल्कुल ठीक है भावन, भावना ज्योति किरण प्रीति बहुत अच्छे तो आंसर क्या बनेगा बच्चों फॉर द स्पेशल पर्पज अगला वर्ड है एंटी मेरीडियन देखो बच्चों आप जो पढ़ते हैं ना एम पी एम कहते हैं ना ए एम है पी एम है ये होता है एंटी मेरिडियन एंटी का मीन्स यहां पे ए एन ई से होता है ना कि ए एन टी आई से होता है ये जो नीचे वाला एंटी है इसका मीन्स होता है अपोजिट में विरोध में जैसे मैं कह दूं मैं एंटी बीजेपी हूं या एंटी कांग्रेस हूं तो वो एंटी हो गया लेकिन इस एंटी का मीन्स होता है पहले पूर्व में तो जब मैं कहता हूं एंटी मेरिडियन जब मैं एरिडियन मेरिडियन कहता हूं तो देखो बच्चों ये ग्लोब है पूरा इसमें मैं कह दू वन एट्टी डिग्रीट्यूड वन एट्टी डिग्री तो इससे पूर्व जो होगा पहला वो सारा क्या कहलाएगा ए एम कहलाएगा इधर का इधर का बच्चों क्या कहलाएगा पी एम पोस्ट मैरिडियन मैरिड के बाद का वन एट्टी डिग्री आपकी क्या है मेरिडियन तो ये सुबह वाला टाइम होता है और ये शाम वाला होता है इस तरह से समझ लेंगे सब बच्चे बिल्कुल बच्चों ये बिल्कुल सही है बिटवीन मिडनाइट एंड नून नून और मिडनाइट के बीच में करेक्ट बच्चों ये टाइम हमारा क्या कहलाता है एंटी मेरिडियन

तो एट्रोसिटी का मीन्स किससे जाएगा वॉयलेंस से एट्रोसिटी का मीन्स किससे जाएगा बच्चों वॉयलेंस से डन बहुत अच्छे वेरी गुड ठीक है प्रीति निशि रीना मोहित नीलम दिव्या बहुत अच्छे बच्चों तो आंसर हमारा क्या बन रहा बच्चो? है बच्चों यहाँ पे वॉयलेंस से बन रहा है एट्रोसिटी का मीन्स है वॉयलेंस अगला देखेंगे बच्चों वेसिलेट देखो वेसिलेट क्या होता है वेसिलेट ऐसे होता है देखो वेसिलेट ऐसे होता है जैसे ये पूरा है तो ये इसके इधर इसके इधर इसके इधर ऐसे 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 कर रहा हो वेसिलेशन कर रहा हो तो क्या बनाएंगे इसमें वेवर नेवर या बी बन ए बनेगा बच्चों वेवर वेव की तरह से होने वाले वेसिलेट होने वाले जैसे वेव आती है ना वेव ऐसे कर करके आती है ऐसे कर करके वेव चलती है ऐसे तो ये वेसीट कहलाता है कंपन करना एक तरह से वेव करना वेव बनाना तो आंसर बच्चों बनेगा इसका वेव जबकि नीचे वाला देखो नीचे वाले का मीन्स होता है स्ट्रेंज इसका मीन बच्चों क्या होता है स्ट्रेंज यानी कि अजनबी अजनबी सा क्वियर फिश जिस तरह से कहते कहते हैं हैं पर्सन देखो बच्चों इंडिक्ट इंडिक्ट ना उसके ऊपर इंडिक्टमेंट लगा दिया गया इंडिक्टमेंट लगा दिया गया तो इंडिक्टमेंट क्या होता है बच्चों क्या मतलब है इंडिक्ट का इंप्लीकेट इल्यूड करना चार्ज करना या फिर मैनिफेस्ट करना हां जी जी गुड मॉर्निंग एकता गुड मॉर्निंग चार्ज करना बहुत अच्छे बच्चों सभी ने सही आंसर दिया इंडिक्ट का मीन्स होता है चार्ज करना किसी पे चार्ज लगाना है ना तो ये किसका मीन्स बना है इंडिक का करेक्ट बच्चों बिल्कुल ठीक है किरण अगला वर्ड देखेंगे बच्चों डेल्यूज देखो डेल्यूज का मीन्स क्या बनेगा डी ई एल यू एस ई कंफ्यूजन डिसेप्शन फ्लड या वेपन मैं बता दूं डेल्यूज का मीन्स होता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में पानी आना बहुत बड़ी क्वांटिटी में जैसे फ्लड आ जाती है ये फ्लड आ गई है चारों तरफ पानी पानी हो गया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊं किधर ना जाऊं इसका मींस क्या हो गया आप कंफ्यूजन में आ गए तो डेल्यूज का मीन्स होता है कंफ्यूजन डेल्यूज का मीन्स बच्चों क्या होता है कंफ्यूजन से बिल्कुल सही है मोहित हाँ फ्लड फ्लड की बजाय बेसिकली डेल्यूज होता तो फ्लड ही है फ्लड टाइप का लेकिन ये बच्चों क्या पैदा कर देता है हमारा कंफ्यूजन वैसे मैं आपको बताऊं एक मिनट रुको डिल्यूज कंफ्यूजन डिसेप्शन इसका बच्चों वन मिनट आप फ्लड ही लगाएंगे यू वुड बी प्रिपेयरिंग हेयर फॉर द फ्लड इसको रोक देंगे क्योंकि यह कंफ्यूजन जो है ये अगर फ्लड नहीं होगा तब आएगा सेकेंड नंबर पर आएगा फर्स्ट नंबर पर क्या होगा आपका फ्लड करेक्ट बात है तो बहुत बड़ी फ्लड का आना बहुत बड़ी फ्लड का आना यही क्या कहलाता है डिल्यूज कहलाता है तो आंसर आपका क्या जाएगा सी करेक्ट सी ना हो तो आंसर क्या जाएगा बच्चों ठीक है समझ में आ गया सब बच्चों को बिल्कुल ठीक है ऑल राइट right. अभी देखो प्रीपोंडरेंस प्रीपोंडरेंस का मींस क्या होता है प्रीएमिनेंस एमिनेंस अच्छा दो हमारे एक जैसे हो गए प्री ऑक्यूपेशन तो बचाओ बच्चो बताओ बच्चों प्रीपोंडरेंस किसको हम कहते हैं प्रीपोंडरेंस इसका मतलब यह होता है कि जो डोमिनेंट हो ऊपर हो और सबसे ज्यादा अपना हक रखता हो तो प्रीपोंडरेंस क्या होगा डोमिनियरिंग डोमिनियरिंग एक तरह से किसी को डोमिनेट करना तो हम बच्चों इसे किस तरह से रखते हैं जैसे हम किसी को डोमिनेट करते हैं करेक्ट एवरी वन तो हम इसमें बच्चों डोमिनेट करते हैं आंसर मिल गया सब बच्चों को तो आंसर हमारा किससे जाएगा जी डोमिनेट करने से डोमिनेटिंग अब देखो इंटरप्रेट ये बहुत बार पूछा गया अगेन वर्ड है दिस वर्ड आस्क्ड मेनी टाइम्स तो क्या वर्ड है बच्चों ये आपका इंटरपिट बताइए इंटरपिट का क्या बनेगा हाँ वन एंड टू सेम है उसमें बिल्कुल सही बात है, two and three तो बच्चों इंटरपिट बताएंगे सब लोग ये मेनी टाइम्स पूछा गया है मतलब समझ लो ऐसा पर्सन जो इंटर में या किसी भी एग्जाम में पास होता चला जाए वो कैसा बन जाएगा हेजिटेंट एक्सट्रोवर्ट रेश या बच्चों फियरलेस बन जाएगा इंटर में पास होने वाला फटाफट वो क्या बन जाएगा फियरलेस बन जाएगा ऐसे बना लो एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही है ये बच्चों क्या बनेगा फियरलेस सी बनेगा सी बच्चों इंटरप्रिट का मींस होता है गेटिंग अगले पे बढ़ते हैं बच्चों अगले पे आते हैं हा इंटरप्रिट का फियरलेस बनेगा बी क्यों नहीं क्योंकि इंटरप्रिट का मीन्स ही फियरलेस ही होता है ऐसा पर्सन जो फियर से रहित हो मतलब फ्री ऑफ फ्री ऑफ फियर बनके ही वो पास करता है इंटर को ऐसे बना लेंगे इसको तो बन जाएगा। आंसर इसका क्या है बहुत ज्यादा खर्च करता हो उस पर बहुत ज्यादा खर्च करता हो प्रोडिगल कहलाएगा तो बच्चों बचाओ बच्चो, क्या बनेगा एक्सक्लूसिव प्रोडक्टिव लेविश या केयर फ्री क्या कहेंगे इसको प्रोडी गर्ल यानी पड़ोसी की गर्ल पे गैल पे गैल कहते हैं ना गर्ल्स को तो उस उसमें खर्च करता हूं बहुत ज्यादा उसके लिए सब कुछ ला के देता हूं तो कैसा पर्सन हो गया लेविश बन गया एग्जैक्टली exactly. ये बच्चों लेविश हो गया जो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता हो इसको वेस्टफुल भी कहेंगे वेस्टफुल है ना स्क्वेंडर भी कहेंगे इसको स्क्वेंडर बहुत कहते हैं एस क्यू यू ए एन डी ई -E आर स्क्वांडर करना स्कोडर का मीन है वही फिजूल खर्ची करना बहुत ज्यादा खर्च करना लेविश करना अब अगला वर्ड देखते हैं परस्पीक्वस परस्पीक्वस का मीन्स क्या होता है बच्चों बताओ रेलिवेंट प्रसाइज ब्रीफ या फिर बच्चों हाँ, क्लियर एंटर करना परस्पीक्वस exactly अब जैसा ध्यान से देखेंगे बच्चों मैं आपको और बता दूं एक वर्ड होता है डिमिन्यूटिव डिमिन्यूटिव है ना एक ही जैसे वर्ड्स हैं बताओ क्या बनेंगे बी ही ना बिल्कुल सही है प्रेसाइज बनेगा इसका होता है बच्चों संक्षेप में संक्षेप में का मतलब है शॉर्ट में किसी चीज का होना का होता है किसी की शॉर्ट फॉर्म करना जैसे रामचंद्र को आरसी कर देना ये क्या डिमिनेटिव बन जाएगा है ना बच्चों तो डिमिन्यूट करना संक्षेप बनाना प्रेसाइज करना इसको पर्स्पीक्स कहते हैं पर्स्पीक्वस ठीक है जी इन शॉर्ट एग्जैक्टली अगले पे आते हैं बच्चों अब देखो आपके पास कुछ वन वर्ड है अ ग्राइड पोस्ट ग्रिड पोस्ट ये पोस्ट है ग्रिड होती है ना ग्रिड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे आपने देखा होगा बच्चे रा, बच्चों रास्ते पे या फिर ऐसी तो इनका ये क्या कहलाते हैं पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस लास्ट पोस्ट कहते हैं फिंगर पोस्ट कहते हैं है, बच्चों चेक पोस्ट कहते हैं बढ़िया तरीके से बताएं सब लोग अच्छा ठीक है लैंप पोस्ट ओके ठीक है बताओ बच्चों चेक पोस्ट लैंप पोस्ट फिंगर पोस्ट या फिर लास्ट पोस्ट वो जो साइन होता है रास्ते में बताने वाला उसको हम क्या चेक पोस्ट तो बेसिकली व्हीकल्स को देखने के लिए होती है चेक पोस्ट होती है बच्चों व्हीकल्स को रोकने के लिए हमेशा रोड पे मिलेगी आपको हां जी मोहित बिल्कुल ये बच्चों बी होते फिंगर पोस्ट इसको कहते हैं ये जो आप रास्तों पे देखते हो इसको बच्चों आप फिंगर पोस्ट कहते हैं ध्यान रखना है, है ना बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन बनता है वे फॉर अ प्लेस जो रास्ते में फिंगर पोस्ट कहलाती है राइट right? नीचे देखो द आर्ट ऑफ द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स बर्ड्स और एनिमल अगर हम एक ऐसी आर्ट को गए जिसमें प्रिजर्व किया जाता है स्किन को तो क्या कहलाएगी टोपोलॉजी टेक्सोनोमी सीजमोलॉजी या टेक्सीडर्मी मैं आपको बता दूं बच्चों डर्म जो होती है डर्म डर्म का मीन्स होता है त्वचा तो अच्छा या स्किन हा बहुत अच्छे नीलम करेक्ट बात है तो ये बच्चों हमारी टेक्सीडर्मी बनेगी टेक्सीडर्मी अगर मैं कह दू जो हमारी हमारी स्किन हाथ की दिखती है ना हाथ की चेहरे की हमारी स्किन दिखते है, उसको बच्चों कहते हैं एपिडर्म एपिडर्म करेक्ट बात है कि नहीं हां जी बिल्कुल ठीक है बच्चों बहुत अच्छे इट इज टेक्सीडर्मी टेक्सोनोमी आपने कल पढ़ा था होप के आपको याद होगा और सीजमोलॉजी में हम किसको देखते हैं हम बच्चों देखते हैं अर्थक्वेक को करेक्ट अगले वर्ड पे आते हैं अब देखो कितना बढ़िया है इसको बहुत ध्यान से बताएंगे सब बच्चे चेंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स मैजिक स्पेल्स।, स्पेल्स का मीन होता है बच्चों जादू जैसे कहते हैं ना हीम क्लीम चामुंडा विच्चे या फिर और कुछ कर देते हैं तो वो मैजिक स्पेल सेंट करना क्या कहलाता है नरेशन रेसिटेशन इन या बच्चों अट्रेंस बताइए हाँ डर्मेटोलॉजी नीलम बिल्कुल सही है जी बच्चों बताइए क्या बनेगा देखो नरेशन तो होता है सिंपल सी चीज को नरेट करना कहानी को बताना रेसिटेशन होता है जैसे आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं लेकिन बच्चों ये मंत्र जरूरी नहीं स्पेल वाले हों लेकिन जब ये स्पेल वाले बनेंगे तो हम क्या कहते हैं इसको इनकेंटेशन रेसिटेशन पोएट्री का हो सकता है भाई आप द रोड नॉट टेकन को पढ़ रहे हैं या मैथ्यू आर्नोल्ड की पढ़ रहे हैं या फिर शेक्सपियर की तो ये रेसिटेशन कहलाएगा खाली आप उसको उच्चारित कर रहे हैं लेकिन अगर आप मैजिक स्पेल्स को कर रहे हैं तो बच्चों वो क्या कहलाएगा इनकेटेशन गेटिंग एवरी वन तो आंसर आपका सी बनेगा अगला देखो अ ग्रुप ऑफ थ्री बुक्स अ बुक ग्रुप ऑफ थ्री बुक्स फिल्म एटसेट्रा दैट द सेम सब्जेक्ट ऑफ कैरेक्टर्स वो क्या है ट्रिंटी है ट्राइलोजी है ट्रायो है बच्चों ट्राईपोर्ड है बताइए फिर आप इसको भी बताएंगे ट्रिम वीरेट. एग्जैक्टली exactly, बहुत अच्छे बच्चों वेरी गुड सीरीना नीलम पिंकी एकता सीमा रानी प्रिया बहुत अच्छे साक्षी बिल्कुल सही है बच्चों ये ट्रायोलॉजी होता है देखो लॉजी का मीन्स होता है स्टडी करने से स्टडी स्टडी आप किसको करोगे बुक को फिल्म को या फिर किसी अदर थिंग को है ना लेकिन इसको बताओ ट्रिम क्या होता है ट्रिम बच्चों ट्रिम बताओ अभी आपने पढ़ता हेमलेट में जो बना था तीन लोगों का वो ट्रिम था इसका मतलब होता है ये तीन लोगों की पार्टी होती है तीन लोगों का ग्रुप तो अगर तीन लोगों का ग्रुप बच्चों बनेगा ये कहलाएगा अभी आपने पीछे पढ़ा था एक दो क्लास पहले जबकि ट्रायोलॉजी होती है बुक्स की 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 या या फिर किसी अदर थिंग है ना जिसमें सेम सब्जेक्ट कैरेक्टर हो हाँ जी बहुत अच्छे बच्चों अगला वर्ड देखते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस ह्यूमन रेस की स्टडी आपकी क्या कहलाती है बताइए एंथ्रोपोलॉजी आर्कियोलॉजी एथनोलॉजी या बच्चों एटीमोलॉजी हाँ जी बिल्कुल ठीक है ओके ओके ही ए आंसर ए बिल्कुल सही है बच्चों स्टडी ऑफ ह्यूमन डेस क्या आ जाएगी एंथ्रोपोलॉजी तो एंथ्रोपोलॉजी हम इसको कहते हैं है करेक्ट बात है ना एंथ्रोपोलॉजी बाकी इसमें देख सकते हैं आर्कियोलॉजी आप जानते हैं एथनोलॉजी एटीमोलॉजी है ना इन सबको आप अलग से देख लेंगे तो आंसर बच्चों हमारा क्या बनेगा ए

तो आर्ट एंड लिटरेचर का जो बहुत एक्सपर्ट है उसे हम कॉनेशियर कहते हैं और बच्चों अगर मैं कह दूं खाने का तो उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं जी ओ यू आर एम ई -E टी गवर्नमेंट एम ए एन डी गवर्नमेंट कह लो तो गवर्नमेंट खाने का इसी तरह से हुआ और बच्चों ऐसा ही होता है वाइन का शौकीन एक्सपर्ट उसे पता है कौन सी वाइन कैसी है तो उसे कहते हैं सोमिलियर उसे कहते हैं बच्चों सोमिलियर तो सोमिलियर गवर्नमेंट और कॉनिशियर तीनों आपस में सिनोनिम है ठीक है बच्चों ये तीनों पारखी जिसे कहते हैं एग्जैक्टली ज्योति ये पारखी बनेगा तो ये तीनों क्योंकि पारखी है अलग अलग चीज के ये खाने का है सोमिलियर वाइन का है शराब का है और किसका है आर्ट एंड लिटरेचर का लेकिन बच्चों तीनों सिनोनिम्स के तीनों एक्सपर्ट हैं अगले वर्ड पे आते हैं अगर हम कहें कि टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी अगर किसी चीज में टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बच्चों हो तो क्या कहलाएगी ब्यूरोक्रेसी रेड टेपेज डिप्लोमेसी या ऑटोक्रेसी आंसर कीजिए हमने क्या बताया आपको टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी हाँ जी बच्चों बिल्कुल सही है ये रेड टेपेज में है इसको कहते हैं हम लाल फीता शाही, हिंदी में कहते हैं लाल फीता शाही जैसे आपको कोई मुकदमा चल रहा है आपका कोई केस चल रहा है है ना कोर्ट में तो क्या करते हैं वो आपकी फाइल को लेते हैं कहते हैं ओके ठीक है दो दिन उसमें बहस करते हैं दो तारीख लगाते हैं उसके बाद लाल फीता बांध देते हैं ये बांध दिया एक इधर बांध दिया लाल फिता लगा के इसको अलमारी में रख देते हैं और बस वो रखा रहता है तीन चार साल पांच साल तो आप क्या कहेंगे इट रेड टेपेज तो इसको भी कहते हैं। लाल फिता जिसको जीता ना जा सके जिसको जीता ना जा सके वो क्या बनेगा इनविंसिबल इनवेबल इंटेंसिबल या इन बताइए बच्चों क्या बनेगा आंसर वेरी गुड प्रिया बहुत अच्छे बच्चों जी एनजो रीना ये बच्चों इनविंसिबल बनेगा तो विंसिबल वो पर्सन होता है जिसको जीता जा सके है ना जैसे जब तक आप तैयारी नहीं करते कोई भी पेपर आपको जीत सकता है लेकिन जब आप बच्चों तैयारी कर लेते हैं जम के जैसे आप अब आप कर रहे हैं डे एवरी डे क्वेश्चन भी कर रहे हैं इवनिंग में भी कर रहे हैं मॉर्निंग में भी कर रहे हैं तो अब आप धीरे धीरे इनविंसिबल हो जाओगे पेपर जब आएगा बच्चों आप फ्री हैंड वहां पे जाओगे सबसे आगे निकल के कि मुझे पेपर देना है ना कि ये कहोगे कि को, कोरोना की वजह से पेपर लेट हो जाए ऐसा कभी नहीं कहोगे फिर इनविंसिबल बन जाओगे यानी कि यू कैन नॉट बी कंकर्ट बाय एनीवन राइट बच्चों इसको कहते हैं विजयी विजयी कहते हैं इसको विजयी या अविजित कहते हैं जिसको जीता ना जा सके इनविंसिबल तो बच्चों ये आज आपके वर्ड्स थे इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को टेलीग्राम से है ना इसको फॉलोअप कर सकते हैं एक्टिविटी टाइम में कुछ भी नहीं है आज देखो आज कितने भयंकर एक्टिविटी टाइम दिया है उन्होंने कोई भी वर्ड आपको नहीं दिया है लेकिन बच्चों यहां एक बढ़िया सा वर्ड लिख लेते हैं आज का वर्ड है हमारा आज का वर्ड है बच्चों हमारा यहाँ पे एक्टिविटी टाइम में आज का वर्ड है बच्चों Migger, एम ई ए जी यू आर ई नहीं नहीं, सॉरी एम ई ए जी आर ई Migger. तो Migger आपको देख के लाना है एम ई ए जी आर ई ये वर्ड है आज आपके लिए वैसे आप इसका आंसर कर सकते हैं ओके थैंक यू सो मच सीमा हां मीन्स को चलक करना है बिल्कुल सही है रीना. इसीलिए उन्होंने खाली छोड़ दिया है तो Migger को आपको देखना है कि Migger का मीन्स क्या होता है एम ई ए जी आर ई करेक्ट बच्चों? तो चलिए बच्चों कल फिर मिलते हैं इसी सेशन में इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे सब बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें है ना ये बहुत जरूरी है एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी समझ लो कि अब हमारी ये क्लासेस विनिंग की तरफ है बच्चों वी विल बी विनिंग वेरी सुन वी विल बी विनिंग ओके ठीक गुड ज्योति ओके ज्योति सब बच्चों ने निकाल भी दिया इलेक्ट्रिक मशीन ठीक है ठीक है स्टिन जी वेरी गुड सही है बच्चों तो चलिए कल मिलते हैं फिर बढ़िया तरह से तैयारी करते रहें और बिल्कुल भी डिसअपॉइंट या डिसकरेज नहीं होना है समझ लो टाइम बहुत है जो बच्चे सोच रहे हैं टाइम कम है मैं कह रहा हूँ टाइम बहुत सारा है कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्क करते रहो जो आपने पीछे किया है वो भी एडअप होगा और आप प्लस में हैं और उसे आगे निकल चुके हैं कई माइल बस और आगे चलते जाओ है ना पीछे नहीं हटना है डन बच्चो सो थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी हैव अ ग्रेट डे